को बहुत ज्यादा फिटिंग भी नहीं करती और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं रखती, मतलब मीडियम जो मुझे कंफर्टेबल लगे। ये देखिए दिल्ली में झमाझम बारिश होती हुई और इतनी ठंड है, ठंड और बढ़ गई और जो टू व्हीलर पर जा रहे हैं ना वो भींगते हुए जा रहे हैं। मुझे देखकर यही लगता है कि मतलब कैसी इतनी ठंड में और घर में रह के मुझे इतनी ठंड लग रही है ना। सभी अपने अपने असर पे सब स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रगल से एक और बात याद आई, मुझे घर जाना है, मैं जा नहीं पा रही हूँ, कोरोना है और भी बहुत सारी बातें हैं। नाना जी भी बीमार हैं, वैसे वो 90 इयर्स के हैं लेकिन मेरा मूड बहुत ख़राब है, सोच सोच के मैं मिल नहीं पा रही हूँ। तो मैंने यहाँ निकाला यही उपाय कि मैं बिज़ी रहती हूँ, मैं अपने मशीन को निकाली हूँ और उसे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हूँ जो पहले का भी है और अभी नया भी मैंने बहुत कुछ बनाया है। तो एक सूट मैं फिट कर रही हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगी और ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ बच्चों को भी देखते रहूँ ताकि ये बदमाशी ना करे और इनसे बातें भी कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा सूट तैयार हो गया है। तो ये मेरा सूट है फाइनली, इसको मैंने फिट कर लिया है। मैं कभी भी किसी भी सूट को बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं करती और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखती, मतलब मीडियम जो मुझे कंफर्टेबल लगे मैं वैसे ही रखती हूँ। और मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ, मैं बिजी होना चाहती भी हूँ, अगर बिजी नहीं रहते तो हम बहुत सोचते हैं, उससे अच्छा अपने आप को बिजी रखें। और कल तो है न्यू ईयर, तो शायद ही हम कुछ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया और ऐसी जगह बच्चे तो जिद करेंगे तो शायद ऐसी जगह जाएं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और ये सूट फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना, बहुत लेडीज़ हैं जो सूट को स्टाइल तो करती हैं, सूट पहनती हैं, लेकिन उनको हमेशा लगता है कि सूट में हम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लग रहे हैं, सूट कोई स्टाइलिश पहनावा नहीं है, हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ और कुछ सूट दिखाने वाली हूँ, उसको देख कर आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और ये जैसा कि मैंने सूट पहना है और देखिए इसका दुपट्टा कुछ इस तरह का है और इसको साइड ऐसे ले सकते हैं और इस पे मैंने ये जो डाला है ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, अभी बहुत चल रही है तो वो मैंने डाला है। और इसको मैंने जो लाल किला मैं घूमने गई थी वो वाला ब्लॉग आप देख सकते हैं, वहां से मैंने इसको परचेज किया है और ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा, सच में बहुत सुंदर है। तो इसको मैंने इस पर डाला है और ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है मेरे सूट को। मैं पूरा एक बार फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सूट है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा, लेंथ वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये स्लीव है और ये पैंट स्टाइल में है और देखने में बहुत ही स्मार्ट लगता है। और ये दूसरी सूट है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी फिटिंग वाली है, इसमें मैं बहुत स्लिम दिखती हूँ ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं आप भी देखिए। और इसको मैं लेगिंग्स या फिर जींस के साथ भी कैरी करती हूँ, ये पूरे लॉन्ग स्टाइल में और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। ये आगे से ऐसा डिज़ाइन है ना, ये साइड में इसको बांधते हैं और आगे से ऐसा, ये देखिए ये साइड में ये डोरी है और ये आगे से ऐसा स्टाइल है कि ये मेरे टमी को भी ढकता है ये देखिए। और ये इसमें बहुत ही स्मार्ट लुक देता है, इसमें मैंने एक वीडियो और ये देखिए एक ये येलो और रेड में कॉम्बिनेशन में ये सूट है, यहाँ इसमें बहुत येलो नहीं बोलेंगे, ये गोल्डन येलो बोलेंगे, ये बहुत ही सुंदर दिखता है और पूजा वगैरह में पहनने से बहुत ही अच्छी लगती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक में डाल दूँगी, आप देख भी लीजिएगा। और हाँ, इसमें फ्रिल भी लगा है ये बाजू में भी और ये नीचे भी इसके ना फ्रिल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लुक देता है, रियली बहुत स्मार्ट। और ये देखिए ये सूट बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा फेवरेट है। इसको मैंने कब रक्षाबंधन में पहना था, ये वीडियो भी मैंने बनाया था और इसका स्लीव तो मैंने दिखाया ही। और ये पैरेलल पैजामा है, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं है और सामने से ये कुछ ऐसे स्टाइल में है, कोट गला है और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है अपना सूट। और बहुत हल्की भी है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। और ये सिल्क पैटर्न में एक दूसरी सूट है, सिल्क के कपड़े में है, इसको मैंने स्टिच करवाया था और ये देखिए कुछ इस तरह मैंने डिज़ाइन दिलवाया है ऊपर और सामने कुछ ऐसे इसमें कढ़ाई किया हुआ है धागे से, सिल्क के धागे से। और ये सेमी पटियाला है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगभग स्लीव मैंने सभी में फुली रखवाया है क्योंकि ये अपने हमारे बाजू को टैन नहीं होने देता। और इसमें अगेन देखिए कोट गला है और मुझे बहुत ही अच्छा लुक देता है।
और ये सूट भी मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर कॉम्बिनेशन ये भी सिल्क में है, बहुत ही हल्के कपड़े में है, और देखिए ये नीचे स्कर्ट स्टाइल में है, और नीचे इसको मैं जींस के साथ भी कैरी करती हूँ, ब्लैक जींस के साथ। और ये जो पीछे का गला है ना, गला जो डिज़ाइन, ये इसको बहुत ग्लैमरस लुक देता है और मुझे बहुत पसंद है ये गले का डिज़ाइन। मुझे पर्सनली ये सूट बहुत अच्छा लगता है, इसको पार्टी वगैरह में भी ऐसे भी पहन कर जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स की ये मेरी वीडियो आप लोगों के बहुत काम आए, अगली बार अगर आप शॉपिंग करने जाएं तो ऐसा ना सोचे कि सूट तो बहुत बोरिंग है और क्या लें कैसे लें, तो कलर जो है अपने पास याद रखें कि ये हमारे पास कलर है, अलग अलग कलर लें, अलग अलग पैटर्न लें, और जो डिज़ाइनिंग थोड़ा गले का भी देख लें और थोड़ा स्टाइलिश देख लें, एक बार ट्राई करके देख लें कि आप पर कौन सा जच रहा है, आपके हाइट के हिसाब से, आपके बॉडी फिगर के हिसाब से, उसके बाद ही लें सूट। और हाँ, स्लीव्स के डिज़ाइन भी अलग अलग लें, बहुत ही अच्छा लुक देता है, और गले वाले का पैटर्न भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।